कैसे हो आप सब। देखो टाइगर 3 को लेकर लोगों के अंदर एक्साइटमेंट इस कदर है बाप लेवल की, देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है यार। इस वक्त सबसे जबरदस्त बस किसी फिल्म का है वो कोई और नहीं, सलमान भाई की टाइगर 3 है। लेकिन एक चीज में, अगर मेरी वाइफ सुन रहा है मेरी बात, तो मैं बताना चाहूंगा, अगर इस फिल्म का कुछ भी अगर माइनस पॉइंट होगा ना, वो तुम्हारी गलती की वजह से होगा। क्योंकि तुम इतना एटीट्यूड जो दिखा रहे हो कि एक मोशन पोस्टर रिलीज में तुम्हारी फट रही है, ये गलत है। मोशन पोस्टर तो आप रिलीज कर सकते हो कि बस और बाप लेवल का हो जाए। बहरहाल वायरल जो कर रहा है उसको बोलने से कुछ होने वाला है नहीं। यहां तक आप देख लो, वो जितने भी चीजें हैं सुबह दोपहर शाम, वो विक्की कुबड़ की फिल्म को लेकर परेशान है। हर वक्त उसी को प्रमोट किया चला जा रहा है, जो कि सबको पता है कि नीचे जो है उसको भर भर के इतनी बेहतरीन बेहतरीन बातें सुनने को मिल रही हैं, शायद वो बातें वो पढ़ता ही नहीं। इससे ये पता चल गया भाई साहब कमेंट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते तो ये शायद फौरन दे देते। बहरहाल लेकिन हमारे लिए अंदर सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि टाइगर 3 का जो बज है ना, वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है और इसका नजारा जो है बुक माय शो पे नजर आ रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे मैंने 2-4 ऐसे लोग जो कट्टर सलमान के अगेंस्ट रहते थे, उनका भी मानना है टाइगर 3 वो देखेंगे और टाइगर 3 उनकी फेवरेट कैरेक्टर है सलमान खान का, तो इसलिए वो उनको मिस नहीं करेंगे। तो जब स्पेशली मैंने कितने लोगों से ये भी पूछा कि आप किस वजह से फिल्म देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो सलमान खान, सेकंड वो इस बात को लेकर है कि सलमान इमरान हाशमी एक साथ। देखो इमरान हाशमी यार जबरदस्त, मेरा फेवरेट, मैंने बोला कि मुझे बहुत पसंद है इमरान हाशमी और उनकी एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और उनकी एक अपनी अदा है, जो हिसाब से वो बोलते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी है, उनका फेस एक्सप्रेशन है, उनकी वॉक जो है ना उसमें भी जादू है जो उनके फैंस को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है उनकी तरफ। तो सलमान खान एंड चॉकलेटी बाय इमरान हाशमी का जो सामना होगा वो कमाल का धमाल का जबरदस्त होने वाला है, तो इससे भी फैंस जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सलमानिया फैंस ने, उसमें एसआरके फैंस भी थे जिससे मैंने पूछा है, खिलाड़ी कुमार के भी फैन थे और एक संजू बाबा के बहुत जबरदस्त डाईहार्ड फैन थे, उन्होंने भी कहा कि टाइगर 3 का उनको बेसब्री से इंतजार है। तो इससे लगा कि सलमान खान की जो फिल्म है वो एक नया इतिहास लिखने को रेडी है। जिस वक्त ये फिल्म 10 नवंबर को आएगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फिल्म रिलीज हो गई है ऑलरेडी, धमाका ही बता देगा कि भाईजान आ गए हैं थिएटर में। भाई का ये पावर है कि बताने की जरूरत नहीं पड़ती, भाई की फिल्म आती है ऑटोमेटिक लोगों को पता चल जाता है कि बॉलीवुड का बॉस जो आ गया, ये है मास महाराजा सबका बाप। तो इसे बोलते हैं भाई का पावर, और सलमान खान के फैंस को इस पे खुशी होनी चाहिए कि फिल्म का क्रेज डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा किसी भी फिल्म का नहीं है यार, बाप लेवल क्रेज है।